हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद, मैं हूं साकिब अल इस्लाम और मैं हूं सारा जमान। पाकिस्तान में इलेक्शन एक्ट 2017 कानून बनने जा रहा है, इस्लामाबाद से अपडेट्स आज के शो में। और मशरक वस्ता की सियासी शतरंज में लबनान कहां खड़ा है। इन मौजूदात के साथ साथ प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, शुरू करते हैं व्यू 360। क्या सऊदी अरब मशरक वस्ता को मजीद अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेल रहा है। शर्मीन उबैद चुनाई को मिला सहाफत का एक अहम अवार्ड। एज अ मुल्क हमें उसके बारे में कुछ करना चाहिए। 2017 मुतफक्का तौर पर मंजूर कर लिया है। बिल के तहत खत्म नबूवत पर ईमान ना रखने वाले शख्स के गैर मुस्लिम होने की हैसियत बरकरार रहेगी। आइन में कादियानियों की हैसियत भी तब्दील नहीं होगी और उनकी वोटर लिस्ट अलहदा होगी। अगर कोई शख्स मुस्लिम वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराए और उस पर मुनकर खत्म नबूवत होने का शुबा हो तो उसके खिलाफ दरख्वास्त दी जा सकती है, जिस पर 15 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। बिल सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। इस वक्त इस्लामाबाद से सहाफ़ी अली राना हमारे साथ हैं। अली, इस वक्त ये जो बिल पास हुआ है, इसकी मंजूरी पर सिविल सोसाइटी और सियासी हलकों की तरफ से क्या रद्दअमल सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत ज़्यादा हसास मामला है ये पाकिस्तान में, और इस हवाले से खत्म नबूवत के हवाले से आमतौर पर बात नहीं की जाती। इसकी हसासियत इतनी ज़्यादा है कि इस मौजूद पर कोई भी अगर किसी को कोई एतराज़ भी हो तो वो भी बात नहीं की जाती। लेकिन आज जो यहाँ पर सेनेट की कार्रवाई के दौरान देखने में आया कि सेनेटर एहसास एहसन ने इस हवाले से कहा कि इसमें जो 7C जो शिक शामिल की गई है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स किसी पर इल्ज़ाम आयद कर देता है कि वो गैर मुस्लिम है, उसका तलक अहमदी फिरके या कादियानी फिरके से है, तो फिर उसके बाद उसको वहां पर 15 दिन के अंदर अंदर अपना अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए सर्टिफिकेट पेश करना होगा, और अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसका नाम मुस्लिम फहरिस्त से निकाल कर गैर मुस्लिम फहरिस्त में दर्ज कर दिया जाएगा। तो इसके इस कानून के गलत इस्तेमाल का खदशा है, उस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। इसके ऊपर राजा जफरुल हक ने कहा कि जी असूल तो होना तो ये चाहिए कि यहाँ पर अगर कोई शख्स ऐसा इकदाम करता है तो उसी के ऊपर ही इन्हीं दफात के तहत जो है वो कार्रवाई की जाए कि उसने गलत इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ये कानून में शामिल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे बाकी सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी इस हवाले से बात करने से कतरा रहे हैं और इसको पूरी असेंबली में, नेशनल असेंबली में भी और उसके बाद आज सेनेट में भी मुकम्मल तौर पर मंजूर किया गया है, मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया है। किसी भी रुकन असेंबली या सेनेट ने इस पर कोई इतराज़ नहीं किया और अब ये सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया जहाँ से ये कानून बन जाएगा। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जो धरना जारी है, अदालती हुक्मनामा भी आ गया है कि इसको ख़त्म कराया जाए, तो उसकी कोशिशें अब तक कहाँ तक पहुँची हैं। जी बिल्कुल, उस हवाले से भी जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं। आज भी जो है यहाँ पर इस्लामाबाद में यहाँ पर इस्लाम की जिले इंतजामिया जो है वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की जाने से एक उनको आखिरी वार्निंग लेटर जो है वो अब से कुछ देर पहले वहाँ पर उनको भिजवा दिया गया है, जिसमें उनको कहा गया है कि आज रात 10 बजे तक वो जो है वो यहाँ पर फैजाबाद का जो इलाका है वो खाली कर दें। जो हाईकोर्ट की जानब से जो उनको अहकाम दिए गए हैं उसमें उनको कल सुबह 10 बजे तक का वक्त दिया गया है, लेकिन जिले इंतजामिया ने उनको आज रात 10 बजे तक का टाइम दिया कि आप वहाँ से निकलें। उस हवाले से तमाम पर तैयारियां मुकम्मल की गई, रेंजर्स, FC, पुलिस वहां पर पूरे एरिया को उन्होंने कॉर्डन किया हुआ है। एक उनकी जो पहले उनकी जो मूवमेंट थी बहुत ज्यादा आराम से थी कि वो आ जा रहे थे रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान जितने भी प्रोटेस्टर थे वो आ रहे थे, लेकिन अब उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो हमें इत्तला मिली है रावलपिंडी में बहुत बड़े बड़े जुलूस जो हैं वो यहाँ रैली की तरफ गए हैं और उनको वहाँ पर इस वक्त उनकी उसके साथ साथ शामिल हो रहे हैं। तो अब जिनकी तादाद थी वो कहा जा रहा था कि 1800 से 2000 है, तो इम्कान ये है कि वो जिस तरह की सूरत हाल है उसमें वो तादाद बढ़ के 3 से 4 हज़ार हो सकती है। जी अली राना हमारे साथ इस्लामाबाद से अपडेट दे रहे थे, थैंक यू अली। अक्वाम मुत्तहिदा की जानिब से शाम में कीमियाई हमलों की तहकीक की मियाद में तौसी की कोशिश रूस ने वीटो के जरिए नाकाम बना दी है। तफसीलात के लिए चलते हैं सहर माजिद के पास जो इस वक्त हमारे साथ कैपिटल हिल से मौजूद हैं। सहर, रूस कीमियाई हमलों के हवाले से करारदादों को पहले भी वीटो कर चुका है, तो इस मरतबा क्या मुख्तलिफ रहा।
जी सारा, शाम की खाना जंगी के हवाले से अक्वाम मुत्तहदा की करारदादों पर रूस की तरफ से ये चौथा, जबकि कीमियाई हमलों से मुतालिक रूस का ये दसवां वीटो था। सन 2015 से काम करने वाले ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म नामी इस तहकीकाती टीम की मुद्दत गुज़श्ता रात ख़त्म होना थी। सिक्योरिटी काउंसिल के 11 अरकान ने इस करारदाद की हिमायत की, जबकि रूस समेत दो ममालिक ने इसके खिलाफ वोट दिया। अक्वामे मुत्तहदा में फ्रांस के सफीर ने रूसी वीटो को कीमियाई हमले रोकने की कोशिशों पर ज़र्ब करार दिया। दूसरी जानिब रूसी सफीर ने तहकीकाती मैकेनिज्म को मगरिब के हाथ इस्तेमाल हो सकने वाला कहते हुए कहा कि इसकी इसलाह की ज़रूरत है। अमरीकी सफीर निकी हेली ने कहा है कि आज के बाद से शाम में होने वाले कीमियाई हमलों के लिए रूस जिम्मेदार होगा। रूस ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म को तोड़ डाला है, जिससे सिक्योरिटी काउंसिल की भरपूर हमायत हासिल थी। हमला आवरों की शनाख्त की हमारी सलाहियत को मसदूद करके रूस ने मुस्तकबिल में ऐसे हमले रोकने की हमारी अहलियत को मजरूह कर दिया है। बशारुल असद और दाइश अब अगर शाम में कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल करेंगे भी तो कोई इन पर नजर नहीं रख सकेगा। अमरीकी करारदाद के इस वीटो के चंद ही घंटों बाद रूस की जानिब से तहकीकाती मैकेनिज्म में मुकम्मल तब्दीली की करारदाद कम सपोर्ट के बायस नाकाम हो गई है। अक्वामे मुत्तहदा का कहना है कि शाम में होने वाले कीमियाई हमलों के लिए शाम की फौज जिम्मेदार है, क्योंकि वहां के जंगजू गुरुहों के पास ना ही तो हवाई जहाज हैं और ना ही उनके पास इतने वसाइल हैं। जी सारा। सर माजिद, थैंक यू फॉर दिस अपडेट। और सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन के दायरे में अब तक 500 के करीब अहम शख्सियात आ चुकी हैं। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक कुछ ने असासे हुकूमत के हवाले करने के बदले रिहाई हासिल की है। और इसके अलावा जो क्रैकडाउन है उसके बाद सऊदी रिटेल इन्वेस्टर्स करोड़ डॉलर के स्टॉक्स चंद दिनों में ही फरोख्त कर दिए, एक ऐसे वक्त में जब खत्ता पहले ही इंतजार का शिकार है। सऊदी अरब के इन इकदामात का आलमी सरमायाकारी पर कैसा असर पड़ सकता है, इस बारे में आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया भर से सरमायादार सऊदी दारुलहुकूमत रियाज के रिट्ज़ कार्ल्टन होटल में सऊदी वली अहद के 500 बिलियन डॉलर्स मालियत के मेगा सिटी के प्रोजेक्ट की तफसीलात जानने के लिए जमा हुए। इस मौके पर मोबाइल से ली गई फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह इस होटल को सऊदी शाही खानदान के दर्जनों अराकीन और कारोबारी हजरात के एक कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद में दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक प्रिंस वलीद बिन तलाल भी शामिल हैं। लंदन का मशहूर सेवाय होटल इनकी मिल्कियत है, जबकि वो ट्विटर, एप्पल और सिटी ग्रुप जैसी कंपनीज के बड़े शराकतदार भी हैं। इनकी गिरफ्तारी से मगरबी ममालिक में इनके बिजनेस पार्टनर्स में परेशानी पैदा होने का इम्कान है। जिन लोगों ने इन्हें काबिले भरोसा और समझा, वो ये जरूर सोचेंगे कि क्या सऊदी अरब में उनके कारोबारी शराकतदार महफूज हैं। नेशनल गार्ड के साबिक सरबरा शहजादा मतब बिन अब्दुल्ला को भी ओहदे से बरतरफ करके गिरफ्तार किया गया है। तजियाकार इसे वली अहद की जानिब से अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करार दे रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने पहले दिफा, फिर काउंटर टेररिज्म और फिर इंटेलिजेंस सर्विसेज को अपनी निगरानी में लिया और नेशनल गार्ड सिर्फ एक ही इदारा था जो के बचा था। सऊदी वली अहद 2030 विजन के नाम से मुआशरती और मुआशी इस्लाहात मुतारिफ करा रहे हैं। तेल की गिरी हुई कीमतों से 2017 के बजट में 52 बिलियन डॉलर्स का खसारा पैदा हुआ, जो कि कुल कौमी पैदावार का 8% है। इक्तिसादी नमो काफी कमजोर है और रियासत की मईशत तेल की इकोनॉमी से सरमायाकारी की इकोनॉमी में तब्दील हो रही है। मईशत के चंद अहम तरीन बुनियादी असूलों में शफाफियत, वजाहत, गुड गवर्नेंस और करप्शन का मुकाबला शामिल है। अगरचे अमरीकी सदर सऊदी वली अहद के करप्शन पर क्रैकडाउन की ट्विटर के जरिए तारीफ कर चुके हैं, तजियाकारों के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा और फौज में खित्ते में पाए जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल के हवालात मौजूद हैं। दूसरी जानिब लबनान के वजीर आजम साद हरीरी को सऊदी दारुलहकूमत रियाद आकर इस्तीफा दिए 2 हफ्ते हो चुके हैं। लबनान की क़यादत को खदशा है कि हरीरी सऊदी अरब में नजरबंद हैं, तहम वो आइंदा 24 घंटों के दौरान फ्रांस भी पहुंच सकते हैं। सऊदी अरब ने लबनान में सरगर्म ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्ला पर उसके खिलाफ ऐलान जंग करने का इल्ज़ाम भी आयद किया है, तो ईरान का असर रसूख कम करने की इन कोशिशों के
सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे वाशिंगटन में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज से मुंसलिक स्कॉलर डैनियल सर्वर से। डैनियल सर्वर, वेलकम टू व्यू 360। साद हरीरी is a, and if Saudi Arab wants to weaken Hezbollah's position in the region, how can that goal be achieved by getting Saad Hariri to resign? I don't see how it can be achieved in that manner. I think the Saudis have done something that's very difficult to understand, and they've actually strengthened Hezbollah, if anything, inside Lebanon. So, Daniel Server कहते हैं कि सऊदी अरब के इस इकदाम की समझ नहीं आती कि साद हरीरी ने क्यों इस्तीफा दिया है, लेकिन हिजबुल्ला को कमजोर करने की भी जो कोशिश है वो इस तरह से कामयाब होती नजर नहीं आ रही, इस वजह समझ में नहीं आती कि वो कैसे ये गोल अचीव करेंगे। सो कैन दिस हैव एनी काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन द वॉर इन यमन वेयर ईरान एंड हिजबुल्ला आर हेविली इन्वॉल्वड बाय गोइंग द लेबनान रूट? Well, the war in Yemen is one of a series of efforts to push back against the Iranians by the Crown Prince, and that's not going well either. I don't see that he's achieving his goals at this point. Of course, it's early times for the Saad Hariri incident, but the war in Yemen's been going on for years and isn't going well. So, यमन में जो जंग 2014 से जारी है उसकी भी सूरत हाल कम अज कम सऊदी अरब के हक में बदलती नजर नहीं आ रही, और इसीलिए हिजबुल्ला के हाथ या ईरान के हाथ वहां कमजोर करने की भी जो कोशिश है, डैनियल सर्वर कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की जो कि सऊदी वली अहद हैं उनकी ये कोशिश भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही। सो इफ दीज एफर्ट्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर सऊदी अरब, डू यू सी द पॉसिबिलिटी ऑफ ए प्रॉक्सी वॉर बिटवीन सऊदी एंड ईरान एंड पर्टिकुलरली दैट इरप्टिंग इन लेबनान? I doubt war will erupt in Lebanon at this point, but we already have proxy wars in Yemen and Syria. I think the situation is deteriorating still, and I expect lots more trouble in the future. But in particularly, in which part do you expect a lot more trouble to erupt? Well, it's extremely difficult to predict. Yemen is in a disastrous humanitarian state, so predicting trouble there is very, very easy. Lebanon, I think, is going to have a hard time keeping governments after this Hariri incident. Everyone is asking for Hariri to come back and to retake his position as prime minister. All the Lebanese are asking for that. But you can well imagine that he would have hesitations about that after being pressured the way he was by the Saudis. तो साद हरीरी पे तो प्रेशर है कि वो लबनान वापस, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान किसी किस्म की प्रॉक्सी वॉर का लबनान में शुरू होने का खदशा है, तो डैनियल सर्वर कहते हैं कि इसका इम्कान अभी नजर नहीं आ रहा। हाँ, उनको ये जरूर लग रहा है कि मशरक वस्ता की ओवरऑल जो सूरत हाल है वो मजीद खराब हो सकती है, और उसकी वजह एक तो यमन में जारी जो जंग है वो है, और उसके अलावा सीरिया का बहरान भी है। सो इज़राइल रीजनल स्टेक होल्डर दैट वॉन्ट्स टू सी ईरान रेन्ड इन, विल डू यू थिंक इट्स गोइंग टू वर्क इवन मोर क्लोजली विद सऊदी अरब टू work out this situation that's in the region, or do you think that it's going to just go its own separate route and kind of keep an eye on what's going on? I think it is cooperating more and more with Saudi Arabia. The signals are quite clear. An interview with an Israeli security official was played on Saudi media in the last few days. There are rumors this morning that the Crown Prince actually visited Israel. I don't know if those rumors are true, but it's quite clear that things are warming up between Saudi Arabia and Israel. I should note also that the Saudis have challenged the Iranians in Qatar, so there are already at least arenas in which the Saudis are trying to push back, and in none of those arenas are things going well. They need the Israelis on their side. So, जहां तक इसराइल के इस सारे में रोल की बात है, तो एक तो खबरें इस वक्त ये गर्दिश कर रही हैं रीजन में कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वली अहद ने इसराइल की क़यादत से मुलाकात की है, लेकिन अभी उसकी तस्दीक नहीं हुई। बहरहाल जो दोनों ममालिक के दरमियान सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात हैं वो वार्म अप हो रहे हैं। लास्टली आई वॉन्ट टू आस्क यू वेरी वेरी ब्रीफली डैनियल सर्वर, इफ थिंग्स गेट वर्स इन मिडल ईस्ट, हु वुड बी ब्लेम्ड फॉर दैट, सऊदी अरब और ईरान? पिक वन।
You know, the enemies of Iran will blame Iran, the enemies of Saudi Arabia will blame Saudi Arabia, and everyone will blame the United States. All right. Thank you very much, Daniel Silver, for your time. Arun ne kaha ke dono taraf ke jo hami hain wo dusri side ko blame karenge aur bilakhir America ko bhi isme blame kiya jayega. اور سعودی عرب اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر, جہاں آپ کی دلچسپی کی بہت سی ویڈیوز اور فیچر سٹوریز موجود ہیں. اور شو میں ہم آپ کو آگے چل کے یہ بھی دکھائیں گے کہ شرمین عبید چنوئی نے واشنگٹن میں کون سا اہم ایوارڈ حاصل کیا ہے, اور بالکل اس کے علاوہ ہالی ووڈ ہائی لائٹس بھی شامل ہیں آج کے شو میں. لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں بین الاقوامی خبروں کی جھلکیاں ورلڈ ویو میں. زمبابوے کے صدر رابرٹ موگابے نے فوجی مداخلت کے بعد پہلی بار ایک یونیورسٹی گریجویشن کی عوامی تقریب میں شرکت کی. فوج کی جانب سے استعفے کے لیے دباؤ کا سامنا کرنے والے 93 سالہ رابرٹ موگابے کی سیاسی جماعت کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے استعفی نہ دیا تو انہیں پارٹی سے نکالنے کے بعد ان کا باقاعدہ مواخذہ کیا جائے گا. فلپائن کے منڈاناؤ جزیرے میں داعش کے جنگجوؤں کے خلاف کاروائی کے دوران شیلنگ اور فضائی حملے جاری ہیں, جبکہ امنیسٹی انٹرنیشنل نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مراوی میں فوج کی جانب سے کاروائی کے دوران غیر مسلح افراد کو نشانہ بنایا گیا اور بیجا طاقت کا استعمال کیا گیا. امنیسٹی نے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. میانمار میں ترکی کے سرکاری ٹی وی کے لیے ایک ڈاکومنٹری کی خاطر ڈرون کیمرہ استعمال کرنے والے 3 صحافیوں پر میانمار میں برآمدات کا قانون توڑنے پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. جرم ثابت ہونے پر انہیں 3 سال کی قید سنائی جا سکتی ہے. الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا نے ہیوی ڈیوٹی ٹرک متعارف کرا دیا ہے. ٹرک کی قیمت 200,000 امریکی ڈالر ہے. کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کا کہنا ہے کہ یہ ٹرک کمپنی کی سب سے بڑی تعداد میں بنائے جانے والی گاڑی ثابت ہوگی. دو مرتبہ آسکر ایوارڈ جیتنے والی ڈاکیومنٹری فلم میکر شرمین عبید چنوئی نے انٹرنیشنل سینٹر فار جرنلسٹ کا نائٹ جرنلزم ایوارڈ اپنے نام کیا ہے. یہ بین الاقوامی اعزاز بے مثال لگن اور ہمت کا مظاہرہ کرنے والے صحافیوں کو دیا جاتا ہے. مزید تفصیلات وردہ خلیل سے. انٹرنیشنل سینٹر فار جرنلسٹ کے سالانہ ایوارڈز کی تقریب واشنگٹن ڈی سی میں منعقد کی گئی. اس موقع پر امریکی صحافت کی معتبر شخصیات کے علاوہ 100 افراد نے شرکت کی. تقریب میں اپنے کام کے ذریعے دنیا بھر میں لوگوں کی زندگیوں پر اثر چھوڑنے والے جن صحافیوں کو دی نائٹ انٹرنیشنل جرنلزم ایوارڈ سے نوازا گیا, ان میں پاکستان سے شرمین عبید چنائے اور شامی صحافی کرم المصری شامل ہیں. اس موقع پر شرمین عبید کا وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران خواتین کے مسائل کو اپنی ڈاکومنٹریز کا موضوع بنانے کے حوالے سے کہنا تھا کہ لوگ حقیقت کو چھپانا چاہتے ہیں اور سچائی پر سے پردہ اٹھنے سے ڈرتے ہیں. کہیں بھی دنیا میں لوگ سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, مگر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو سنائیں, اور سچ سنانے کے بعد ہم جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے سلوشنز ڈھونڈیں. دیکھیں, عورتوں پہ تشدد دنیا بھر میں ہوتا ہے, مگر میں دنیا بھر میں نہیں رہتی, میں پاکستان میں رہتی ہوں اور وہ میرا گھر ہے. تو وہاں جو عورتوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کرنا میرا حق بنتا ہے, اور ایز اے ملک ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ امریکہ سمیت تمام دنیا میں صحافیوں کو دھمکیوں اور خطرات کے ڈر سے صحافت کے معیار میں تبدیلی نہیں لانی چاہیے. Administrations may come and go, but our principles will last forever. تقریب کی میزبانی کے فرائض سی این این سے منسلک مقبول صحافی وولف پلیٹزر نے انجام دیے. امریکہ میں صحافت کو درپیش مشکلات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ امریکی صحافی سالوں سے دنیا بھر میں سچائی پہنچانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ امریکہ میں اچھے صحافی ہیں جو نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں عوام تک سچائی پہنچا رہے ہیں. امریکہ میں لوگوں تک سچی بات پہنچانے کے عمل میں کسی نئے طریقہ کار کی ضرورت نہیں. ہم ہمیشہ سے پوری ذمہ داری اور سچائی کے ساتھ لوگوں تک خبر پہنچاتے رہے ہیں. یہ طریقہ کار ہمیشہ مؤثر ہے اور آئندہ بھی رہے گا. نائٹ جرنلزم ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں جنگ کے دوران شام کے شہر الیپو سے رپورٹنگ کرنے والے کرم المصری بھی شامل تھے. وہ سب تصاویر جو میں نے وہاں لی وہ آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہیں. کچھ لوگ کہیں گے کہ اس کی رپورٹنگ نے کوئی اثر نہیں چھوڑا کیونکہ اس سے شامی عوام کی تکلیف میں کمی نہیں آئی, لیکن میرا یقین ہے کہ ان تصاویر کے بغیر شام کی حکومت شام میں شہر کے شہر تباہ کر دیتی اور کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کرتی رہتی اور دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہ چلتا. شام کے جنگ زدہ علاقے میں اپنی زندگی کی بازی لگا کر سچائی کی تصویر کشی کرنے والے کرم المصری آئندہ بھی دنیا کو سچائی کی تصویر دکھانے کے لیے پرعزم ہیں. وردہ خلیل, اردو وی او اے, واشنگٹن.
और अगर आपको मजीद इंस्पिरेशन की जरूरत है तो अब जिस शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो तो इसकी बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल सारा, अब्दुल करीम जो दोनों बाजुओं से महरूम होने के बावजूद नक्शे बनाने का काम करते हैं और वो ये सब कैसे करते हैं आइए देखते हैं। दोनों हाथों से महरूम हैं मगर मोहताज नहीं। ये हैं कराची के 50 साला अब्दुल करीम जिनके दोनों हाथ पैदाइशी तौर पर नहीं हैं, लेकिन खुदा ने इन्हें जैसा बनाया इस पर हमेशा ये उसके शुक्रगुजार रहे। मुंह धोना हो, शेव करनी हो, स्विच ऑन करना हो, खाना खाना हो, कपड़ों पर इस्त्री करनी हो या मोबाइल पर बात, अब्दुल करीम अपने पैरों से हर वो काम करते हैं जो हाथ रखने वाला इंसान कर सकता है। पैरों से काम करना अब्दुल करीम के लिए चैलेंज था मगर वालदैन ने उनकी हिम्मत बढ़ाई, बीए तक तालीम दिलवाई, बस फिर जिंदगी में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की वालदा से कि बड़ा होके क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, इसको आप ख़त्म कर दो। मेरे हाथ में कप पकड़ाते थे, मैं कप पकड़ता था, कभी ऐसे करता था, कभी ऐसे गिर जाता था, कहते कोई बात नहीं, गिर गया, ठंडी चाय दो इसको, कोई बात इसमें गिरेगी ना, कोई मसला नहीं है। तो उसने मुझे इस तरह उन्होंने मुझे पैर से वालदा वालिद ने काम करने की प्रैक्टिस करवाई। जब अब्दुल करीम मेहनत से तरक्की की मंजिलें तय करते रहे, आज ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 18 ग्रेड के अफसर हैं। कागजात पर लिखना हो या कोई भी दफ्तरी काम, अब्दुल करीम पैरों की मदद से तमाम काम बखूबी कर लेते हैं। जॉब करने के बाद मेरा काम स्टार्टिंग में काम था मेरा ड्राफ्टिंग करना, ड्राफ्टिंग मतलब नक्शे वगैरह बनाना। जब मैं ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा कि यार आप महीने में आकर तंखा ले जाया करूँगा। नहीं, मैंने कहा मैं काम करूँगा भाई, आप मुझे काम दे। तो मुझे काम दिया, मैंने ड्राइंगें बनाई, तो इसी तरह मेरा प्रमोशन होता चला गया। अब्दुल करीम कहते हैं कि इंसान मनफी सोचना छोड़ दे और अपनी काबिलियत और सलाहियत पर भरोसा करे तो कोई भी जिस्मानी कमी उसे आगे बढ़ने, बाइज्जत रोजगार कमाने और तरक्की करने से नहीं रोक सकती। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे पीर को मुलाकात होगी। व्यू 360 के बारे में अब अपनी राय और तजावीज़ हमसे शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर, facebook.com/vieurdu है हमारा एड्रेस और हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। सारा जमान और साकिब अल इस्लाम को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।